मैं सरकार से मांग करता हूं, पिताजी पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, जो हमारे सतगुरु पर लगाए गए हैं, वो बेबुनियाद है, उनको जल्दी से जल्दी बाहर आने दिया जाए और समाज का भी भला होगा इसमें। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल फैक्ट क्या है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा का। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार जी, क्या काम करते हैं सर? मैं सैनिटरी की दुकान करता हूँ। सर, डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में क्या जानते हैं आप? डेरा सच्चा सौदा के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। कितने के समय से जुड़े हुए हैं सर? ये कम से कम मेरे को हो गए 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए। आज क्या कहना चाहते हो आप सर आश्रम के बारे में, जैसे 25 अगस्त 2017 के बाद अब क्या मानना है आपका? मानने कैसे मतलब अब आपका क्या क्या कहना है, कैसी आस्था है आश्रम के साथ? अब तो पिताजी नहीं है तो मतलब जाने के बाद मतलब ये पिताजी के जाने के बाद मतलब ये है भी थोड़ा अभी माहौल खराब ही हो रहा है दिन पर दिन। जैसे है हर घर में नशा हो रहा है, लोग नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, महामारी मतलब फैली हुई है। ये सारे मतलब पिताजी के जाने के बाद ही फैली हुई है सारी। वो यहाँ थे तो हमारा समाज भी मतलब सुरक्षित था, हमारी बेटियाँ सुरक्षित थी, सारे मतलब समाज को ही फर्क पड़ता है इस चीज़ से। गुरुजी ने क्या किया है सर समाज? गुरुजी ने तो समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे सभी को मतलब राम नाम से जोड़ा है, भी अपनी बेटियों को मतलब जो हमारी बेटियां हैं इनको मतलब आत्मनिर्भर बनाया है, भी हमारी बेटियां आगे पढ़े लिखे, खेल कूद में आगे जाएं, समाज में आगे जाएं, मतलब हर चीज में आगे जाएं। ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी की, और तो क्या बताने में सर। और जो एलिगेशन इतने लगाए गए हैं उनके ऊपर, उनके बारे में? वो तो सरासर झूठे लगे हुए हैं, लोगों ने बदनाम करने के लिए लगाए हुए हैं। उनमें मतलब ज्यादा राजनीतिक हाथ ज्यादा है, लोगों का मतलब राजनीतिक के षड्यंत्र में मतलब ये फंसे हुए हैं। ऐसा क्यों सर, गुरुजी के ऊपर ही क्यों लगाए जा रहे हैं? इसलिए है कि समाज के इनको डर है कि कहीं पर ये वोटों का चक्कर है, कहीं पर अपना ना कोई बना ले। बाकी तो और कोई इनको चक्कर ही नहीं है, इनको सिर्फ यही है भी अपना मतलब भी कहीं राजनीति करने लग जाए, भी ये अपना कोई खुद ना बन के बैठ जाए। तो गुरुजी ऐसा कभी मतलब कहा ही नहीं है गुरुजी ने ऐसा, ये तो लोग कहते रहते हैं जी, इस तरह तो चलता ही है फिर समाज के अंदर ही। सच्चाई क्या है सर फिर आश्रम? सच्चाई तो ये है जी, यहाँ पर हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, ऐसा कोई नहीं है। मेरे को जाते हुए 20-25 साल हो गए, मैंने तो कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। अगर कुछ ऐसा होता तो हम अपनी बेटियां क्यों भेजेंगे वहां पे और समाज क्यों जाएगा? माए तो जब से हम वहां जुड़े हुए हैं, समाज जुड़े हैं, तो हमारे दिन प्रतिदिन मतलब अच्छे काम करते हैं, कोई बुरा काम नहीं करते, और मतलब भी बुरा काम भी नहीं करते ना, मतलब किसी को कहने देते हैं। लोग आजकल झूठ फूट मतलब गुंडागर्दी ये सारे नशे करते हैं, इनसे हम बचे हुए हैं, हमारा परिवार बचा हुआ है, हमारा अड़ोस पड़ोस बचा हुआ है। भी जितनों को हम समझा सकते हैं वो कहते हैं जी, जो नहीं मानते वो उनकी मर्जी है जी। गुरु जी का नेचर कैसा लगता है? गुरु जी का नेचर बहुत बढ़िया था हमारे, जिस तरह हमारे पिताजी तो चलो अपने होते हैं अभी, वो भी कई बार कोई ऐसी करते हैं। हमारे गुरु तो मानव भी, हमारे लिए तो एक भगवान भी है, भगवान से भी बढ़कर हम तो ये कह सकते हैं। हमारे सब कुछ माता पिता भी वही हैं, सब कुछ उन्होंने हमें शिक्षा दी है कि हम अच्छे रास्ते पर चले। अब देखा जाए सर 3-4 साल हो गए हैं, हाँ अब नहीं है समाज। हाँ जी। अब क्या लगता है कि अब समाज? अब लगता है तो जी, जो पिताजी के साथ जुड़े हुए हैं उनको तो कभी भी कुछ ऐसा नहीं लगता, उनके तो सदा ही पिताजी साथ रहते हैं, उनके अंदर ही बसे हुए हैं रोम रोम में। तो मतलब जो आदमी मतलब नहीं जुड़े हुए थे, जो दूर है, वो कोई नशे की तरफ है, कोई मतलब बर्बादी की तरफ बढ़ा हुआ है। जरूरत है सर समाज, जरूरत है पिताजी आए, जल्दी जल्दी बाहर आए, मतलब समाज को सुधारे। इसमें अकेला ये नहीं है कि हमारा हरियाणा ही सुधरेगा, देश भी सुधरेंगे, विदेश भी सुधरेगा, सारा समाज को ही फायदा है इसमें पिताजी के आने से। क्या बदलाव होगा सर फिर समाज? बदलाव तो होगा, लोग अच्छे कामों में लग जाएंगे, लोग गुंडागर्दी छोड़ देंगे, नशा छोड़ देंगे, उससे हमारे मतलब हमारे समाज को भी फायदा है, हम सबको ही फायदा है उस कारण की बात। तो क्या मांग करोगे आप सरकार से? मैं सरकार से मांग करता हूँ, पिताजी पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, जो हमारे सतगुरु पर लगाए गए हैं,
वो बेबुनियाद है, उनको जल्दी से जल्दी बाहर आने दिया जाए, और समाज का भी भला होगा इसमें, और देश का भी भला होगा, सरकारों का भी भला होगा। भी सरकारों से उन्होंने कुछ लेना देना नहीं है, लोग बस कहते हैं तो वो कहते रहे, उनकी मर्जी है जी। आम जनता को क्या अपील करोगे सर, क्योंकि जनता ने जो भी कुछ देखा है वो टीवी में जो लगातार दिखाया गया उसी के वो तो टीवी वाले खुद ही अभी बता देते हैं जी, वो बकवास बता रहे हैं, जो अभी एलिगेशन लगाई गई है वो बिल्कुल ही गलत है, कोई ऐसी बात नहीं है अभी कोई लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगातार आपको सीधी बातचीत दिखाते हैं हम लोगों की। आपकी क्या राय है इन फैक्ट्स के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।